स्किन ब्राइटनिंग फेस मास्क. और इस फेस मास्क को बनाने के लिए मैं एक एंजल फ्रूट का इस्तेमाल करूँगी और वो फ्रूट है पपाया. सो क्यों मैंने पपाया तो चूज करी वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी थ्रू दिस वीडियो. सो यस गाइस, वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन हेलो, आई एम पौर्णा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पौर्णा ब्यूटी वर्ल्ड. आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY पपाया फेस पैक शेयर करूँगी. सो इस फेस पैक को अगर आप इस्तेमाल करोगे देन ग्रेजुअली ये आपकी स्किन को ब्राइटन बनाएगी. सो एक दिन का रिजल्ट ये नहीं है, आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी देन ग्रेजुअली ये आपकी स्किन को ब्राइटर और स्किन टोन को लाइटर बनाएगी. आज मैंने क्यों पपाया को चूज करी, लेट मी क्लियर फर्स्ट. सो पपाया में पोटेशियम होती है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है. और अगर आपकी स्किन डल है, बेजान है देन डल स्किन को रिपेयर करने में भी पपाया बहुत मदद करती है. एज वेल एज पपाया इज अ वेरी प्रूवन नेचुरल प्रोडक्ट टू क्योर योर हाइपर पिगमेंटेशन. अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपके स्किन में स्पॉट्स वगैरह है देन पपाया एक बहुत अच्छी नेचुरल फ्रूट है जो आपकी स्किन से हर एक स्पॉट्स को रिमूव कर देगी, ब्लेमिशेस को भी क्योर करेगी. पपाया एक कोलेजन बूस्टर है जो आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी और आपकी स्किन को ब्राइटर, सॉफ्ट और सफल बनाएगी. पपाया में एक स्पेशल एंजाइम है कॉल्ड पपाइन. ये आपकी स्किन को एजिंग से बचाती है और स्किन को फ्री रेडिकल से भी क्रोसो दूर रखती है. पपाइन जो करती है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है और आपकी स्किन को ब्राइटर बनाती है. एज वेल एज एजिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी फ्रूट है पपाया. तो आज मैं जो फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नॉट ओनली कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए फेस पैक है, आपके स्किन के रंगत को ब्राइटर तो बनाएगी ही एज वेल एज एजिंग से भी आपको छुटकारा दिलाएगी. एज वेल एज अगर आपको सन टैनिंग की प्रॉब्लम है, सन बर्न ऐसी कुछ स्किन में आपको प्रॉब्लम है देन ये जो पपाया फेस पैक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये फेस पैक आपकी सन टैनिंग को भी क्योर करेगी. सो हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम की वन स्टॉप सॉल्यूशन होगी मेरी आज की फेस पैक. सो यस गाइस, विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो पहले अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए अच्छी तरह से. बाद जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए इस फेस मास्क के लिए वो है एक पपाया के टुकड़ा. अगर आप 2 चम्मच पपाया पल्प लो तो आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारी है लेमन जूस, 1 टीस्पून लेमन जूस आपको लेनी है. 2 टीस्पून पपाया के लिए 1 टीस्पून लेमन जूस. पहले मैं इस पपाया को अच्छी तरह से स्मैश कर ले रही हूँ. आपको राइप पपाया की ज़रूरत होगी. अच्छी तरह से स्मैश कर ले. मैंने अच्छी तरह से स्मैश कर ली है. जो नेक्स्ट हमें लगेगी वो है लेमन जूस. मैं अच्छी तरह से पहले लेमन जूस को ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद इस दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी. लेमन में स्किन ब्राइटनिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है. लेमन में विटामिन सी है और माइल्ड एसिड है. विटामिन सी प्रिवेंट करती है फ्री रेडिकल से और हमारी स्किन में जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है, एजिंग की प्रॉब्लम को भी स्टॉप करती है. लेमन में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है. सो मैंने अपने फुल फेस में इस पैक को लगा लिए हैं. अब आपको वेट करनी होगी 15 मिनट तक. 15 मिनट तक वेट करने के बाद आपको क्लीन वाटर से इस फेस मास्क को धो लेनी है. सो आपको इस फेस मास्क को वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करनी है, तब आप बेस्ट रिजल्ट जाके देख पाओगे. तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर ली है. नाउ सी द रिजल्ट. ये सिर्फ एक बार के रिजल्ट है. अगर आप इस फेस मास्क को वीक में एटलीस्ट 3 बार यूज करोगे देन डेफिनेटली आपकी स्किन ग्रेजुअली ब्राइटर होती चली जाएगी. गाइस, दिस इज माय एंटायर वीडियो. होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी. डेफिनेटली इस फेस पैक को वीक में 2 से 3 बार यूज करिए. एक वीक के रिजल्ट ये नहीं है. तो हाँ, डेफिनेटली इस फेस पैक को अप्लाई करें. मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपकी स्किन की जो रंगत है, आपकी स्किन टोन काफी ब्राइटर हो जाएगी. सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू सून एट माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.